फंक्शन को आपने इतना मोमेंटम बना के रखा है, जो अभी आपके लीडर्स ने आपको बताया यहाँ पे, और सारे ग्रेट लीडर्स यहाँ पे उपस्थित है। कामवान सर ने इतना बेहतरीन स्पीच आपको दिया, इतने ग्रेट ट्रेनर है हमारे, जोरदार ताली तो होनी चाहिए। नई चीज आज मैंने भी इनसे सीखी है, क्योंकि हम लोगों को तो ट्रेनिंग में बुलाते नहीं है तो बहुत सारी चीजें सीखनी जैसी है आपके सारे लीडर्स यहाँ के। दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, समय बहुत कम है, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग बिजनेस आज आप किस तरह से कर रहे हो, मैं नहीं जानता आप 100% दे रहे हो, 50-50 में हो, या जस्ट चलो करके देखता हूं इस एटीट्यूड में। कई लोग ऐसे ही आते हैं ना, दे दिया 5,000-10,000 जो भी प्रोडक्ट लेना था ले लिया, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो अपना काम है ये एटीट्यूड भी होता है ना लोगों का, ऐसे भी लोग आते हैं। तो आप किस मोड में अभी हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना पक्का है आज के इस प्रोग्राम के बाद आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको वही करना है जो आपके लीडर ने आज आपको सिखाया, अगर वो फॉलो किए तो 100% हो सकता है। आप सारे लोग कामयाब बनना चाहते हो, पूछने का बात ही नहीं, सब लोग तैयार हो गए ना, कामयाब बनना चाहते हैं ना सभी लोग, तो कितने लोग कामयाब बनने के लिए काम करने के लिए तैयार है? काम करने वाले आ रही दिख रहे मुझे, अच्छा बाकी फ्री में कामयाबी भी चाहिए आपको बेंगलोर में कोई सिस्टम नहीं, फ्री में कुछ मिलता है दुनिया में कहीं पे भी फ्री में कुछ भी? कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, होना है। आज हमने कामन सर ने कहा आदमी तो होने के बाद भी यहाँ पे आए है ही नहीं, सर मैं बोलता हूँ इससे बढ़िया कुर्बानी और कुछ भी नहीं हो सकती जो आज आपने दिए। कुर्बानी आपको भी देनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेस की मीनिंग क्या है, क्या है सक्सेस? कामयाब बनना चाहते हो है ना, सक्सेस पाना चाहते हो, लेकिन उसके पहले डायरेक्ट सक्सेस नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? मुसीबतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का स्टोरी जानते हो, समुद्र मंथन हुआ था सुना है ना आपने, उसके अंदर देवता भी थे और राक्षस भी थे, यानी देव और दानव दोनों ने मिलकर किया तब जाके समुद्र मंथन हुआ। और उसमें क्या निकला पहले, क्या निकला? पॉइजन है ना, विष आया, और जैसे विष आया सारे राक्षस उस पर आ गया, आ गया पी लिए। देवता बहुत होशियार थे, अपने लीडर को फॉलो करते थे, लीडर ने बोला रुको पहले उनको दे तो सब ले लिए, मिल गया रे भाग फटाफट, जैसे भी 30-60 का आदत है आज चले गए, दो चार होशियार बच गए तो आज भी चले गए दुनिया में। हुआ या नहीं हुआ, पहले क्या आया? विष आया, बाद में क्या निकला? वैसे आपके लाइफ में सक्सेस चाहिए तो पहले तो विष पीना ही पड़ेगा। जितने भी लोग हैं माय लाइफस्टाइल के अंदर, चाहे हमारे एनटीसी हो जो यहाँ पे उपस्थित, हमारे ग्रेट एनटीसी से सीटीसी है, आईटीसी है, ऑल लीडर्स, इन सब लोगों ने पहले ये मुसीबतों को झेला है तब जाके इस मुकाम तक गए। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था माय लाइफस्टाइल का, आज से 4 साल पहले जब माय लाइफस्टाइल की शुरुआत हुई 2013 में, उस समय भी बहुत सारे सवाल थे, ये कैसे होगा, ये नया सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ये मैनेजमेंट 2001 से है, 2013 में ये नया सिस्टम क्यों लेके आया, बहुत सारे सवाल थे। और बहुत सारे हमारे लीडर उस वक्त कंफ्यूज हुए, विश्वास नहीं हुआ क्या होगा माय लाइफस्टाइल का फ्यूचर, और वो निकल गए, कुछ लोग टिके आगे बढ़े, कुछ लोग चले भी गए। लेकिन 2013 में जब हमने माय लाइफस्टाइल की शुरुआत की, डे वन से हम लोग एक ही फोकस थे, जो भी होगा हमारे लाइफ में इससे बेटर ही आने वाला है, और ये विश्वास
के खड़े हैं। जब ये बिजनेस आया था उस समय बहुत सारे उतार चढ़ाव का दौर था हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज भी एक चीज में आपको बता दो, हमारे आम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। आज भी मानते या नहीं मानते, आप किसी के पास जाओ बिजनेस लेकर के तो पहले जैसे देखता है कि दुनिया का गुनाहगार मैं ही होता है या नहीं होता है। और कई सारे आपके अच्छे अच्छे दोस्त, आपके अच्छे रिश्तेदार, आपके घर के लोग, तू भी ये सब किधर है और कुछ नहीं मिला काम, ये काम चालू किया। बोलते हैं नहीं बोलते, कितने लोगों ने ऐसा सुना उत्तर आंसर ऐसे लोग बोले आपको बोले बोलो। और कई लोगों को सुन के बाद, ये सुनने के बाद उनको ये लगा शायद ये गलत है, दूसरे दिन से दुकानी बंद कर दी अपनी। हुआ या नहीं हुआ आपके साथ भी? यस। तो आज भी इसको लेकर पॉजिटिव माहौल नहीं है उतना जितना होना चाहिए। जबकि 2013 की बात बताओ, 2011-12 में इस सिस्टम को लेकर बहुत सारे डिबेट हिंदुस्तान में हुए, नॉट ओनली छोटे छोटे जगहों पे नहीं हुए, विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक हमारे संसद में भी इसके ऊपर डिबेट हुआ। क्या है यह सिस्टम, सही है या गलत है, ये कैसे चलेगा। और तब जाके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना शुरू किया। बेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड की, बहुत ही बेस्ट इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे देश में इसका उपयोग सही नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसको मनी सर्कुलेशन बना दिया, बहुत सारे लोगों ने इसको शॉर्टकट बिजनेस बना दिया। और ये लोगों को पता है, इनको बड़े होशियार लोग हैं, ये लोग इनको पता है आम हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए, क्या चाहिए आम हिंदुस्तानियों को, जल्दी को चाहिए। इससे बड़ी बात क्या चाहिए पता है, बिना कुछ किए चाहिए। ये लोगों को पता है इंडियन पीपल जो है वर्ल्ड के जो लेजी लेजी होते हैं ना आलसी, उस रेशियो में सबसे ऊपर अपन बैठे हैं। आप जाके किसी को माई लाइफ स्टाइल बताओ, सर देखो ऐसा बिजनेस है, ऑन एंड ऑन के बेस्ट प्रोडक्ट है, एलिमेंट वेलनेस के बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे पास टूथपेस्ट से लेके सारे प्रोडक्ट है, आपको जो चाहिए लो बिजनेस में आओ, प्रोडक्ट खरीदो, यूज करो और ये दूसरे को बताओ और धीरे धीरे आपकी टीम बनाओ, हमारे मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, हम आपको सिखाएंगे, यहां से बहुत बड़ा पैसा आएगा। नहीं भाई नहीं है मेरे पास, यही बोलते हैं ना, टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है। वहीं पे हमारा दूसरा भाई जाता है उसी आदमी के घर पे, सर हमारे कंपनी में आ जाओ, क्या कुछ नहीं करने का, क्या करने का, 2 लाख डालो, क्या मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, कब मिलेगा, 4 साल में, आपको क्या करना है, कुछ नहीं। तो 2 लाख देके आते हैं और उनको 10,000 नहीं देते, है या नहीं है? Yes. है या नहीं है? इसी चाहिए उसको, 4 साल के बाद देखता कंपनी का देखते हैं। गलती किसकी है? फिर चिल्लाते हैं सिस्टम बेकार, देखो मार्केटिंग बेकार, क्यों बेकार है? ये समझ में नहीं आया, इसके ऊपर डिबेट हुआ लोकसभा में, सिस्टम सही नहीं है गलत है, कमिटी बैठी, कमिटी गवर्नमेंट का काम है, कमिटी बिठा, चल भाई तुम देखो क्या है सही है कि गलत है, उनको तो समझता ही नहीं है, कमिटी को भी मालूम नहीं डायरेक्ट से लिखता हुआ। कौन सा मंत्रालय के पास जाए हम लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलता है, दिस इज नॉट माय जॉब, गो टू द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के पास गया, बोले ये हमारा काम नहीं है, तुम रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है, ठीक ओके, क्या तकलीफ है, तकलीफ हम नहीं है बाकी के बोलने, तुम क्या करता है, माल बेचता है, हाँ सर माल बेचता है, तो किसको बेचता है, किसको बेचता है, ग्राहक को बेचता है, ग्राहक को बेचता है, बहुत सारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, यही सत्ता मिनिस्ट्री कहाँ है। 2 साल डिबेट के बाद उन्होंने फाइनल किया कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इज योर कार्जे। और 2014 में वो गोल्डन डे जिसकी शुरुआत होने वाली